हम अक्सर देखते हैं कि विपक्षी नेता डिबेट में बीजेपी नेताओं को टोक देते हैं और एंकर को उनका पक्ष लेने पर सुना देते हैं। पर आज की वीडियो में बात उन डिबेट की करते हैं जिनमें मीडिया एंकर ने बीजेपी के नेताओं को टोका हो। आज तक की डिबेट किसानों के मुद्दे पर हुई। इस डिबेट में एंकर ने बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल किया, जिसमें प्रवक्ता ने मोदी सरकार की तारीफ करनी शुरू की तो एंकर ने उन्हें लताड़ दिया। राकेश त्रिपाठी जी, वो कह रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री ही ये बात कह रहे थे जब वो मुख्यमंत्री थे कि ये एमएसपी गारंटी कानून लाना चाहिए, ये सबसे फायदेमंद है किसान को लेकर। उसके बाद अब जो कमेटी बनी उस पर भी उनको भरोसा नहीं है, सारी बातों से मुकर रहे हैं, क्यों? आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में एक के बाद एक लगातार फैसले लेने का काम किया है, किसानों की फसल को दोगुनी करने के लिए प्रयास किया है, कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो चाहे सिंचित क्षेत्र का विस्तार करना हो। आज किसान एक आरोप विपक्ष आप पर लगाता रहा है, जो नेता आंदोलन कर रहे हैं किसानों का वो ये आरोप लगाते रहे हैं कि आप किसानों का भला सोच रहे हैं, तो किसानों से तो बात कर लेते। नहीं देखिए, किसानों से संवाद भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है। एक साल से ऊपर किसान बॉर्डर पर बैठे रहे और आप संवाद कर रहे हैं, संवाद क्या एक डेढ़ साल चलता रहेगा? 12 बार संवाद हुआ है, 11 बार संवाद से हल निकालना, सिर्फ संवाद जरूरी नहीं है, हल निकालना जरूरी था। ये मानिए सर, संवाद में भी कहीं कमी रह गई होगी कि जल्दी हल नहीं निकल पाया। न्यूज 18 की डिबेट पर जब एंकर ने बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल किया तो वे विपक्षी नेताओं पर निशाना साधने लगे, जिसके बाद एंकर ने बीजेपी प्रवक्ता को टोका और सही से जवाब देने को कहा। प्रेम कुमार जी, अगर आपके पास एक मिनट, पहले प्रेम शुक्ला आप, फिर प्रेम कुमार जी, एक मिनट, दो दो प्रेम है आज हमारे साथ, प्रेम शुक्ला भी है, प्रेम कुमार भी। पहले प्रेम शुक्ला आप बता दीजिए, क्या बीजेपी ने आज सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए थे क्या चुनाव से जुड़े, जो आपको प्रियंका वाड्रा के चुनावी अभियान से दिक्कत हो रही है? जनता पार्टी ने, ठीक, अच्छा प्रश्न है आपका। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सारे कार्यक्रम आदरणीय सीडीएस बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि में समर्पित कर दिए। कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं हुआ, बीजेपी का उपक्रम नहीं किया, पूरे पूरे देश में पहले सीडीएस, पहले सीडीएस पूरा दिन कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं मेरे को? श्रद्धांजलि सर्वाधिक कार्यक्रम वही हुआ, बिल्कुल ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, आप बोलिए। प्रेम शुक्ला जी, गिना दिए भाई, केशव प्रसाद मौर्य का भी बता दिया, उन्होंने भी बता दिया, आपके कोई चुनावी कार्यक्रम थोड़ी ना रद्द हो गए थे? नहीं सारे, शुक्ला जी, अच्छा नहीं, सारे दैनिक और राजनीतिक कार्यक्रम रद्द हो जाने चाहिए, लेकिन प्रियंका वड्रा का नृत्य जो है वो कुकृत नहीं है, यही एक तर्क कांग्रेस के और कांग्रेस समर्थकों। नागालैंड की घटना पर आज तक पर हुई डिबेट में एंकर ने बीजेपी प्रवक्ता से सवाल किया, इस पर बीजेपी प्रवक्ता ने विपक्ष पर निशाना साधा तो एंकर ने उन्हें घेर लिया और अपनी सरकार की बात करने को कहा। हाँ, एक जगह आपकी सरकार, एक जगह समर्थित, और दोनों सीएम कह रहे हैं आसपा हटाने को, फिर सिर्फ वारिस पठान कैसे हो गए देशद्रोही? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि एक मुख्यमंत्री जब बयान देते हैं तो उनको भी वैसे ही पीड़ा हुई होगी जैसे संवेदनशील पार्टियों को हुई है। हम लोग सत्तारूढ़ है, लेकिन पीड़ा हमको भी हुई, हर नागरिक को ही, उनका एक दृष्टिकोण है। लेकिन अगर संविधान आप देखिए अंजना जी, पूरे देश की सुरक्षा, आंतरिक भी और बाहर से भी कोई दिक्कत ना हो, ये हमें सुनिश्चित करना है। और ऐसे दो प्रदेश मैं आपको नॉर्थ ईस्ट के बता सकता हूँ जहाँ पे वहाँ की सरकारों ने कहा है कि आसपा लगे, ठीक है, ये आसान है, समझ गई सर, अलग चश्मा लगाना है, इसलिए बड़ी एक सिर्फ चश्मा बदलना है सर, हमने ये फैसला लिया हुआ, ठीक है। सीएम का बात सुनने के लिए चश्मा बदलना है सर, उनका दर्द पीड़ा, इनका दर्द बारूद। लेकिन इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल जवाब लूं, जल्दी से राजनीति कर रहे हैं, लाशों पे राजनीति करते हैं जी, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं बताइए, इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, चश्मा बदल के देखेंगे, ठीक। इंडिया टीवी पर ओमिक्रॉन के मुद्दे पर हुई डिबेट में एंकर ने सरकार की तैयारी को लेकर सवाल बीजेपी प्रवक्ता से किया, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता के जवाब से एंकर संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने उन्हें बीच में टोक दिया। आपने जो कि सीधे सीधे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बताई, फ्लाइट्स डिले करते, अभी वहां से लोगों की आवाजाही पर रोक होती तो शायद अभी नहीं तो कुछ, हम कुछ दिन मिलते हमको इसको स्टडी करने के लिए, इस वेरिएंट को, हमें इसके बारे में और पता चलता, लेकिन अभी हमारे देश में आ चुका है, किसकी गलती है शहजाद पूनावाला साहब? आप कह सकते हैं गारंटी के साथ कि ये साउथ अफ्रीका में ही ये मिल रहा है वेरिएंट, और ये बाकी के जो 11 देश है उसके अलावा ये कहां से नहीं आ रहा है, इसीलिए WHO ने भी यही सुझाया है कि एक कंप्लीट बैन नहीं किया जा सकता। मेरे मित्र हैं आम आदमी पार्टी के MLA संजीव भाई, उनको पता होगा कि ज्यादातर कंट्रीज ने बैन नहीं किया है, कुछ चंद कंट्रीज ने बैन किया है। सोच रहे होंगे, मैं सिर्फ एक दो, हमें तो ये बताया गया था कि 15 दिसंबर से पहले फ्लाइट शुरू होनी थी, नॉर्मल शेड्यूल फ्लाइट्स जो होती हैं अलग अलग देशों से, उसको भी फिर टाल दिया गया जब ओमिक्रॉन आया कि वो बाद में होगा, तो फिर ये इन देशों से लोग हमारे देश में आ कैसे रहे जी? आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने जब 27 तारीख को मीटिंग ली तब उन्होंने ही कहा था कि देखिए हमें इंटरनेशनल ट्रैवल को एक बार फिर से रिव्यू करना होगा, ये बाकी लोगों ने सुझाया उससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा था। और आप इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहे पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।